हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन माय यूट्यूब चैनल। एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जो कि ड्रॉप ऑफ एजुकेशन है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ट्रांजैक्शंस के बारे में, जिसे हम सेल सिग्नलिंग का नाम भी देते हैं। यहाँ पे तीन तरीके की चीज़ें होती है, या कह सकते हैं तीन स्टेज देखने को हमें मिलती है। एक तो आपका रिसेप्शन होता है, दूसरा ट्रांजैक्शन होता है और तीसरा होता है रिस्पॉन्ड। इन्हीं के इर्द गिर्द सारी बातें हम सिग्नलिंग ट्रांजैक्शंस में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से जो हमारे सेल होते हैं वो अपने सिग्नलिंग को किस तरीके से भेजते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड वर्क करते हैं, जो कि रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं और कई सारे कन्फर्मेशंस को चेंज कराते हैं और एक फाइनल रिजल्टेंट देते हैं। तो आइए चल के हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सिग्नल ट्रांजैक्शन को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सिग्नल ट्रांजैक्शंस, बात करेंगे सिग्नल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो सिग्नल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सेल को रिसीव और रिस्पॉन्ड कराने में हेल्प करता है। यानी सपोज करिए कि कोई सेल को किसी तरीके की सिग्नलिंग को रिसीव करना है और रिसीव करने के बाद उस सिग्नलिंग को रिस्पॉन्स करना है, तो ये प्रोसेस आपका सिग्नल ट्रांजैक्शन कराता है, जहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल मैसेंजर आपके वर्क करते हैं और उनके साथ कई सारे ऐसे सीरीज और मॉलिक्यूलर इवेंट जुड़े होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और वो लीडिंग करते हैं कई स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स को। और कई सारे इसमें की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका रिसेप्टर हो गया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गए और इंट्रा सेलुलर पाथवे हो गया। वैसे तो पाथवे की बात करें तो दो तरीके के पाथवे होंगे, इंट्रा एंड सिग्नल। कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अराउंड करके रखते हैं और कई सारे केमिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के डिस्टिंक्ट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन जो होता है ये सेल सिग्नलिंग भी कहा जाता है और ये सेल सिग्नलिंग कई सारे सिग्नल मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट करती है जो कि आपके सेल के इंटरनल पार्ट में और एक्सटर्नल पार्ट दोनों में ही देखने को मिलते हैं। सिग्नलिंग जो होती है वो रिसीव की जाती है सेल के द्वारा और ट्रांसमिट भी की जाती है और कई सारे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स सेल टू सेल इंट्रैक्शन, सेल टू मैट्रिक्स इंट्रैक्शंस में देखने को मिलते हैं। इसमें कई सारे स्टेप्स इनिशिएट्स होते हैं और जो सेल इनिशिएट्स की जाती हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर के हेल्प से कराई जाती है। सेल सरफेस रिसेप्टर एक तरीके का रिसेप्टर मान करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन। हम बात करेंगे कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि सिग्नल ट्रांजैक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिसिटी, यानी कि जो सिग्नल की ट्रांजैक्शंस हो रही है या सिग्नल की सिग्नलिंग हो गई रही है सेल में, तो वहाँ पे स्पेसिफिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सिग्नल मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर पाएंगे अपने कंप्लीमेंट्री रिसेप्टर से। नेक्स्ट है आपका एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्पेसिफिसिटी, तभी यहाँ पे इंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं अदर इंजाइम्स को, ताकि जो कैस्केड इंजाइम है वो आपके ज्योमेट्रिकली बाइंड हो सके और वर्क कर सके। नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिसेंसिटाइजेशन एंड एडेप्टेशन, यानी कि जो रिसेप्टर को फीडबैक मिले सर्किट के थ्रू वो काफ़ी प्रॉपर होना चाहिए, तब वो अडॉप्टेड हो जाता है। लास्ट वन आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस में आपके जैसे स्पेसिफिसिटी, एम्प्लीफिकेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन और एडॉप्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इंटीग्रेशन का भी होता है, जहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स आपके ये वर्क करते हैं और दोनों ही रिसेप्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ी सी और स्पेसिफिसिटी लाते हैं सेल सिग्नलिंग में। तो आप सभी को अभी बताया कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है। तो सेल सिग्नलिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है सेल के बीच या सेल के साथ, जो कि ट्रांसमिटिंग में, रिसीविंग में, प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नलिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड नेबर सेल्स में, इन सभी जगह देखने को मिलता है और ये हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम इनके स्टेज की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेज प्रेजेंट इन सेल सिग्नलिंग, रिसेप्शन एंड ट्रांसडक्शन। इसमें रिसेप्शन एंड ट्रांसडक्शन होता है, तो ये हो गए स्टेजेस।
अब हम कुछ सेल रिसेप्टर की बात करेंगे जो कि सेल सिग्नलिंग या सेल ट्रांसडक्शन में वर्क करते हैं। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं रिसेप्टर, बट इतने ही रिसेप्टर नहीं होते हैं, और भी हमारे बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, साइटोकाइन रिसेप्टर, WNT रिसेप्टर, TGF बीटा रिसेप्टर, नॉच रिसेप्टर एंड हेजॉग रिसेप्टर्स। तो ये कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि वर्क करते हैं सेल सिग्नलिंग के लिए या सेल्स ट्रांसडक्शंस के लिए, और भी कई सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। अब हम बात करते हैं पाथवे की। वैसे सिग्नलिंग के पाथवे की बात करें तो दो तरीके का पाथवे देखने को मिलता है, एक इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे होता है, दूसरा होता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। अब अगर हम टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग की बात करें तो 4 टाइप्स की सिग्नलिंग देखने को मिलती है। पहला तो है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग, तीसरा है इंडोक्राइन सिग्नलिंग और चौथा है डायरेक्ट सिग्नलिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सिग्नलिंग मानी जाती है जो कि खुद के ही सेल को सिग्नल भेजता है और उनसे कई तरीके के वर्क को कराता है, जैसे कि रेगुलेटिंग पेन सेंसेशन हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, वायरल इन्फेक्शन रिस्पॉन्सेज हो गया और इन्फ्लेमेटरी फीडबैक्स वगैरह हो गए। तो इस तरीके के प्रोसेस को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट जो सिग्नल है वो है पैराक्राइन सिग्नलिंग। अगर हम पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात, तो जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है ये अपने नेबर सेल को एक्टिवेट कराने में या नेबर सेल को सिग्नलिंग देने में हेल्प करती है, जैसे कि एग्जांपल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ज़्यादातर वो पैराक्राइन सिग्नलिंग के हेल्प से होता है। तीसरे सिग्नलिंग की बात करते हैं, डैट इज इंडोक्राइन सिग्नलिंग। इंडोक्राइन सिग्नलिंग एक ऐसी सिग्नलिंग मानी जाती है जो कि इनर सेल्स में सिग्नलिंग या इनर सेल में ट्रांसडक्शन कराने में हेल्प करती है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, प्यूटेटरी ग्लैंड हो गया एंड हाइपोथैलेमस हो गए। तो इन सभी जगह आपको इंडोक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट इज द डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग जो होती है ये कॉन्टैक्ट जब करती है या फिर सिग्नलिंग करती है तो ये डायरेक्ट करती है, जैसे कि एग्जांपल में सेंड इंफॉर्मेशन क्विकली टू इट्स नेबरिंग सेल, यानी क्विक इंफॉर्मेशन। बात करेंगे पाथवे की। अगर हम पाथवे की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग की बात करेंगे। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग होती है जो कि सेल के अंदर देखने को मिलती है, यानी इनसाइडर सेल, जहाँ पे एक चेन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है जो कि सिग्नलिंग कराने में हेल्प करती है। तो डैट प्रोसेस कॉल इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। और इस सिग्नलिंग में जैसे ही लिगेंट जाके बाइंड होता है सेल सर्फेस रिसेप्टर पे, तो वो जो रिसेप्टर होता है इंट्रासेलुलर डोमेन, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो चेंजेस जो होते हैं वो हमारे सिग्नलिंग कराने में हेल्प करते हैं। आइए हम कुछ स्टेप्स के बारे में जानते हैं जो कि इस सिग्नलिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पहला स्टेप्स ये है कि सिंथेसिस होती है एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की। दूसरा क्या होता है कि सिग्नलिंग जब रिलीज होती है तो मॉलिक्यूल के हेल्प से होती है। तीसरे स्टेप में जो ट्रांसपोर्ट होती है सिग्नलिंग की वो टारगेट सेल के लिए होती है, यानी कि जहाँ पे वो मॉलिक्यूल टारगेट करेगा सेल को वहीं पे जानी चाहिए। फिर सिग्नलिंग जो होती है वो डिटेक्ट करती है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन का, ताकि उस प्रोटीन पे ही वो जाके बाइंड कर सके। देन फिर चेंज होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में एंड फंक्शन होता है और डेवलपमेंट ट्रिगर बाय द रिसेप्टर सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, और वहीं पे डेवलप होता है एक रिसेप्टर सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। देन जो सिग्नलिंग होती है वो रिमूव हो जाती है और सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। अभी हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब किसी स्पेसिफिक सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। सिग्नलिंग पाथवे की बात करें तो कई सारे ऐसे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होते हैं जिसमें कि आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग होती है और एक आपका एंजाइम लिंक रिसेप्टर होता है।
दूसरा लीकिंग गेटेड आयनल चैनल होता है, और आपके होते हैं वोल्टेज गेटेड आयनल चैनल होते हैं। तो तीन तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर में देखने को मिलते हैं। कुछ सेकेंडरी मैसेंजर सिग्नलिंग पाथवेज हैं, जैसे कि साइक्लिक एएमपी पाथवे जिसे सीएमपी के नाम से जानते हैं। दूसरा है मैप का सिग्नलिंग जिसे एएमएपीके सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा है जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे, इसके नाम से जानते हैं। बट हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिग्नलिंग पाथवे पढ़ना है वो है जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे। तो अगले वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया हो, और फिर हम आपके लिए इसके आगे हम नया जो लेक्चर लेके आने वाले हैं वो आपके सेल रिसेप्टर से रिलेटेड है, जिसे हम सेल सरफेस रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच।